आज हम देखेंगे EVS में। काफ़ी दिन हो गए हमने EVS नहीं पढ़ा, राइट। हम मैथ्स इंग्लिश कर रहे हैं, बट आज तो EVS को पकड़ना है क्योंकि वो हमारे दोस्तों से भरे। आप बोले कि मैम आपके दोस्त कौन से? आपके और हमारे दोस्त हमारे प्यारे से पशु, हमारे बर्ड्स, हमारे एनिमल्स। क्या वो हमारे दोस्त नहीं हैं बच्चों? हाँ मैम, वो तो हमारे दोस्त हैं, है ना, क्योंकि वो तो काफ़ी वफादार हैं। इंसान हमें धोखा देगा, बट इन कभी भी बर्ड्स आने और एनिमल्स कभी भी हमें धोखा नहीं देंगे। तो चलिए आज देखते हैं नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन इन द टेबल। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज लेके आई हूँ मैं, जहाँ से आपके थिंकिंग कैप्स होने। अभी रचना मैम सब आंसर्स नहीं देंगे आपको, आपको खुद को ढूंढने हैं। पेज नंबर 12। अभी आपको मुझे बताना है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि किसके बॉडी पे हेयर है ना। उसमें हमें कौन मिला? ज़ेब्रा, लेपर्ड, चित्ता, स्क्विरल, इनके बालों पे, इनके बॉडी पे हमने हेयर पाए। फिर किसके फेस पे भी हेयर है? तो जैसे लायन है ना, टाइगर है, डॉग है, उसके सबके हेयर पे फेस है। तो आपको बताना है मुझे कि कौन से ईयर्स किसके हैं और किसके नहीं। आपको याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसके किसके ईयर्स हैं कि नहीं, डॉग के हैं कि फ्रॉग के हैं। तो यही आपको वापस से करना है। जैसे सम एनिमल्स हैव ईयर्स एंड सम डोंट, लाइक बर्ड्स हैव टाइनी होल्स, उनके पास छोटे से होल्स होते हैं बर्ड्स के पास। तो आपको लिखना है गोट है, उनको ईयर्स हैं, हाँ है मैम। ईयर्स कैन बी सीन, यस। हेयर है, तो सब आपको टिक करना है। तो इसके तरह आपको ये एक्सरसाइज बच्चों करनी है। एलिफेंट को है, हाँ बेशक है। कैन बी सीन, यस मैम। उनको बाल होते हैं, हाँ होते, छोटे छोटे होते हैं ना बाल फेस पे, वहाँ फेस पे भी होते हैं। स्पैरो, यस। उनको कैन बी सीन, नो इट कैन नॉट बी सीन, तो ये रॉन्ग हुआ। यस इट कैन नॉट बी सीन, ओके। एंड हेयर होते हैं, हाँ छोटे छोटे फेदर्स होते हैं ना उनको, तो सबको, बिना हेयर के तो सब नकली दिखेंगे। इनको भी नहीं होते, इनको नॉट टू बी सीन। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कैमल, कैट आपको पता है, हाँ। तो ये आपको होमवर्क में करनी है, आदि मैंने की है आपके, तो 12 नंबर आपको होमवर्क में बच्चों करना है। फिर ईयर टू ईयर पेज नंबर हम देखेंगे। पेज नंबर 13। कैन यू टेल विच एनिमल्स मेंशन इन द टेबल ले एग्स? वाव वंडरफुल। बर्ड्स जो है वो ले करते हैं एग्स, तो आपको इसमें लिखना है कि कौन से एनिमल्स बेबीज देते हैं और कौन से देते हैं एग्स। तो ये एक प्यारा सा हमारे पास एक बॉक्स का गेम है। यहाँ हमें लिखना है कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द बेबीज, और उनका देना है आपको रेड बॉक्स में, ओके। विच ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिव बर्थ टू बेबीज, तो आपको इधर लिखना है बेबीज को कौन देता है, ओके। राइट द नेम्स इन द रेड बॉक्स। जो भी बच्चे देते हैं वो आपको उनको लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें हम भी आ गए, हमारे भी बच्चे होते हैं, राइट। तो हम भी मैमल्स हैं, तो जो मैमल्स हैं, जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स बच्चों। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन प्रीवियस पेज। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स हु गिव नेम्स आर गिवन इन ग्रीन बॉक्स। पुट सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हु वो आर इन रेड बॉक्स। तो जो एनिमल्स को आपने रेड दिया है उनको आप सर्कल करो, और जिनको ग्रीन में दिया है उनको यहाँ पे लिखो। सो व्हाट डिड यू नोट? दोज एनिमल्स हु ईट ईयर्स एंड हु हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द
young ones. Those animals that do not have ears on outside do not have their hair on their body. These animals lay eggs. Okay, so they lay eggs. Those who do not give birth to the children, they give eggs. तो दो प्रकार के, कुछ लोग अंडे देते हैं, कुछ लोग मैमल्स पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं. होल्स इन द प्लेस ऑफ ईयर, दे ले एग्स. तो जिनके पास होल्स है, जिनके पास ईयरिंग्स नहीं है, ईयर्स नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, अंडे देते हैं. तो वो कौन से हैं वो आपको यहाँ बतलाना है. ठीक है. हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस एंड हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स. कौन से एनिमल्स, डॉग, कैट, सब सब रचना मैम नहीं बोलेंगे, आपको भी अपने तरह से लिखना है. हैव यू एवर केप्ट अ पेट, कौन सा पेट आपने रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है उसके बारे में. ठीक है. अब नेक्स्ट पेज हम लेंगे, जो भी पेट आपने लिया है उनके बारे में आपको लिखना है बच्चों. तो फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव टू नो. विच एनिमल इज इट, कौन सा एनिमल आपने पेट किया है, क्या वो डॉग है, क्या कैट है. डज इट हैज अ नेम, क्या आपने उनका प्यारा सा नाम लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा है. चलो मेरा है तो मैं डॉग लिखती हूँ, आपका जो है वो आप लिख सकते हो. उसका नाम क्या है, तो हनी है. वो एनिमल है कि बर्ड है, तो एनिमल है, डॉग है. तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है, हु गेव इट इन दिस नेम, उनको नेम कौन दिया, तो मेरे डैड ने दिया, मॉम ने दिया. व्हाट डज इट लाइक टू ईट, उनको खाना क्या अच्छा लगता है, उनको जो भी घर पे पकता है वो उनको अच्छा लगता है. जैसे दूध रोटी भी खा लेता है, दूध और राइस भी खा लेता है. कोई अच्छी सी सब्ज़ी आपने अगर बनाई है पनीर वाली, तो वो भी वो खा जाता है. बट बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं दे सकते उनको. हु गेव दिस नेम हो गया, व्हाट डज इट ईट हो गया, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इट इज़ गिवन फूड, उनको 3 times देते हैं. फिर बाद में उनको लगता है कि भूखे हैं, हमारे पास देख रहे हैं, हम भी कुछ खाते हैं, वो भी देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता कि हम खा रहे हैं और उनको नहीं दे रहे. तो जब भी हम कुछ मंचिंग बाइटिंग करते वो आ जाते. बिस्किट्स उनको बहुत पसंद है, पेट्स के बिस्किट्स भी अलग से निकलते, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. हाउ मेनी टाइम्स अ डे इन अ डे इट इज़ गिवन फूड, कितने बार आप देते हो, तो 3 to 4 times आप देते हो फूड. व्हेन डज इट स्लीप, वो एक छोटा सा नैप लेते हैं आफ्टरनून में, और रात को पूरी रात वो घूमते रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 hours वो सोते हैं. फिर कुछ काम ना हो तो सुबह में सो जाते हैं, पूरी रात वो जगते हैं. तो डॉग्स का ऐसा होता है. व्हेन डज इट स्लीप, तो मैंने बोला जैसे वो सुबह सोते हैं, रात को वो पूरा जागते हैं, जगते हैं, क्योंकि उनको कोई भी, उनको कुछ भी आवाज़ होता है, उनको आवाज़ आता है तो वो तुरंत आ जाते हैं बच्चों. ठीक है. फिर इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर देयर एनिमल, हाउ, जब भी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है तो आप बच्चों को, एनिमल्स को कैसे देखते हो, तो आप उनको बच्चों बहुत ज़्यादा खान पान देती हो. जैसे उनका बर्थडे मना लिया, तो जैसे हम इंसान हैं तो हम उनको भी प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ हनी आज आपका बर्थडे है, चलो केक लाते हैं, थोड़ी स्वीट कम रखना मेरे, नहीं तो डॉगी के बाल झड़ जाएंगे. तो आपको ये यहाँ पे लिखना है कि मैम हम उनके बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं. ओके बच्चों. तो डज इट गेट एंग्री व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, जब आप अकेले अकेले कुछ खाओगे, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, तब आप लिख सकते हैं व्हेन आई ईट अलोन मैम ही और शी गेट्स एंग्री. ठीक है. उनको हम देते नहीं है कभी स्वीट, उनको बहुत पसंद होता है, उनके बाल झड़ते हैं, गिरते हैं. तो आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता इतना सब, क्योंकि हमने खुद ने एनिमल्स रखे थे बच्चों. तो आप ये लिख सकते हो. डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन, येस. अगर आपने
हमने पैरट्स भी पाले थे, हमने 25 डॉग्स पाले थे, 30 पर कम नहीं, और पैरट्स और पिजन्स और वो सब बहुत सारे पाले थे हमने। तो डर लगता था कभी कभी अस्थमा ना हो, क्योंकि उनके बाल हमारे लिए अच्छे नहीं होते बच्चों। तो आप पालो बट ध्यान रखो कि उनके हेयर, उनके फेदर्स आपके कान नाक में जाए नहीं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो बस ये बेहतरीन सेशन यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।